हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका भी इसी संडे को आरएससीईआरटी का एग्ज़ाम है? तो जो आरएससीईआरटी का एग्ज़ाम है उसमें से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको इस ओएमआर सीट के ऊपर देना होगा। लेकिन आपने इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ओएमआर आंसर सीट का यूज आपने नहीं किया, पहली बार आप ओएमआर सीट का यूज कर रहे हो, तो आपके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डर जरूर होगा कि ओएमआर सीट को सही तरीके से कैसे भरा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं वो सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा भी हम ओएमआर सीट को किस तरीके से भरेंगे आरएससीईआरटी के एग्जाम में, चाहे वो आरएससीईआरटी का एग्जाम हो, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जाम हो, या इसके साथ साथ कोई भी कंपटीशन का ऐसा एग्जाम हो जहां पर आपको ओएमआर आंसर सीट पर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे भी हमें ओएमआर सीट भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना है और जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं उन गलतियों से हमें किस प्रकार से बचना होगा। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं 8th क्लास के 9th क्लास के या फिर 10th क्लास के, वो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं ओएमआर सीट को भरते वक्त, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर उनको ओएमआर आंसर सीट की जरूरत पड़ी हो, तो वो पहली बार ओएमआर सीट का यूज करेंगे आरएससीईआरटी के एग्जाम के अंदर। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर भी आपके पास में जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में से आपको इस ओएमआर सीट के अंदर कौन सा रिकॉर्ड भरना है और उसके साथ साथ आपको जो एग्जाम वाले दिन आपके पास इस तरीके की क्वेश्चन बुकलेट आएगी और इस क्वेश्चन बुकलेट में से आपको कौन सा रिकॉर्ड अपने इस ओएमआर सीट के अंदर भरना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं भी जिन्होंने जो जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि आपकी आरएससीईआरटी के अंदर 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 35 में से मान लीजिए आपने 35 के 35 के राइट आंसर आपने दे दियो, लेकिन आपने ओएमआर सीट के अंदर रोल नंबर फाइल करते वक्त, एग्जाम सेंटर कोड भरते वक्त, या फिर बुकलेट का सीरीज नंबर का जो सीरीज है उसको लिखते वक्त या क्वेश्चन बुकलेट का नंबर भरते वक्त अगर आपने गलती कर दी, तो आपने जो ये 35 क्वेश्चन सही करे है ना, इसका आपको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है और आप फेल हो जाओगे। तो हमें आंसर का, क्वेश्चन के जो आंसर है वो ओएमआर सीट के अंदर किस तरीके से भरने होंगे, कौन कौन सी गलतियों से हमें बचना होगा और ये ऊपर की जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो आपको किस तरीके से भरनी पड़ेगी और कहां कहां से वो आपको देखनी पड़ेगी, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा और उन गलतियों को भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं और उन गलतियों से आपको बचना होगा। क्योंकि जब भी आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम हॉल के अंदर हो सकता है एग्जामिनर के पास इतना टाइम ना हो भी वो आपको पर्सनली सारी बातें समझा सके, भी आपको रोल नंबर किस तरीके से लिखना है, परीक्षा के अंदर कोड किस तरीके से लिखना है, या प्रॉपर सही तरीके से आप समझ ना पाओ, तो आपको ये जो तैयारी है ना अपने घर से ही करके जानी पड़ेगी ताकि वहां पर आपको किसी से पूछने का मौका ही ना मिले और आप उन गलतियों से बच सको और इतना टाइम आप अपने आंसर पर आराम से आप लगा सकते हो, क्योंकि 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है। अगर आप सबसे ज्यादा टाइम इसी के अंदर वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन सही तरीके से ना कर पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जिनका भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है आरएससीईआरटी का उनको आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किया हुआ किसी भी स्टूडेंट को फेल होने से बचा सकता है और विशेषकर जो स्कूल्स के स्टूडेंट होते हैं। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप किसी स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो बचा सको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन और भी है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये इस परमिशन लेटर का, जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोल देते हैं और आप प्रवेश पत्र भी इसको बोल सकते हो। ये एडमिट कार्ड आपके पास होगा, ये आपको साथ में लेके जाना कंपलसरी है और एग्जाम का जो टाइम होता है वो 12 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको जो सेंटर पे है वो 11:30 बजे से पहले पहले आपको सेंटर के ऊपर पहुंचना होगा ब्लू पेन लेके, और इसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक ओरिजिनल आईडी भी बिल्कुल साथ में लेके जानी कंपलसरी है, जिसके अंदर आपकी फोटो भी हो और नाम भी हो। तो ये आपके पास परमिशन लेटर होगा एग्जाम हॉल तक। जैसे आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे और आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो तब वो आपको इस तरीके की आपकी एक क्वेश्चन बुकलेट आपको दी जाएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हो नवम्बर 2021 है, आपके पास यहाँ पर लिखा है अक्टूबर 2022, तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स होगी जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फाइल करना है। अब ये रोल नंबर आपको कहाँ से फिलअप करना होगा, जो आपके पास एडमिट कार्ड है इस एडमिट कार्ड के अंदर आपको ये आपका रोल नंबर होगा, इस रोल नंबर को आपको यहाँ पर लिखना होगा
और उसके बाद के अंदर इसी रोल नंबर को आपको शब्दों के अंदर भी लिखना होगा, या देख सकते हो रोल नंबर इन फिगर्स यानी कि अंकों के अंदर और रोल नंबर शब्दों के अंदर, तो इसी को आपको शब्दों में लिखना है। और उसके बाद में तीन नंबर ऑप्शन आपके पास रहेगा लर्नर कोड का, जिसे हम स्कॉलर नंबर भी बोल देते हैं। तो लर्नर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसके अंदर आपको यहाँ से ही लर्नर कोड मिलेगा। ये जो लर्नर कोड है यहाँ तक का, ये सारा का सारा लर्नर कोड बिल्कुल सही तरीके से आपको भरना है, ये आपको मैनुअली पेज पर लिखना होगा इसी बुकलेट के ऊपर। और उसके बाद में एग्जाम सेंटर कोड, अब ये एग्जाम सेंटर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, ये एग्जाम सेंटर कोड आपको यहाँ से मिलेगा, ये देखा 3405, ये आपके सेंटर का कोड है, तो ये यहाँ पर आपको इसके ऊपर लिख देना होगा। अब उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका केस कर सकते हैं, ये प्रश्न पत्र ही है आपका। जैसे आप इसको ओपन करोगे उसके बाद के अंदर आपको इस टाइप के अंदर क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, ओमआर सीट पे हम चलते हैं। ये आपकी ओमआर सीट आपको इसी बुकलेट के अंदर आपको दी जाएगी। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है कार्बन कॉपी, आपके पास एक ओरिजिनल होगी, वो ओरिजिनल आपका जो आपके हॉल के अंदर एग्जामिनर जिस टीचर की ड्यूटी होगी वो आपसे ले लेगा, और ये आप बीच के अंदर कार्बन होगा, ये कार्बन कॉपी आपको अपने साथ ले आनी है और ओरिजिनल आपको वहां पर देनी होगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं रोल नंबर की, जहाँ पे आप लिखा हो रोल नंबर, आपको रोल नंबर आपको किस तरीके से लिखना होगा। जैसा कि अभी हमने देखा भी, ये जो आपका रोल नंबर है, ये आपका रोल नंबर है आपके स्टूडेंट का जो नेम होता है उसके ऊपर की साइड में, आपको सबसे पहले जैसे आ गया 192297, ये आपको सबसे पहले तो इस ओमआर सीट के ऊपर ऐसी तरीके से हाथ से लिख देना है अंकों के अंदर ही। और उसके बाद के अंदर ये आपका नीचे जो कोड आपको दिखाई देंगे इस तरीके के गोले, अब इस गोलों को आपको किस तरीके से भरना होगा, जैसा सबसे आप देख रहे हो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के हम 203780, अब इसको आपको किस तरीके से भरना है इसके लिए हम जो हमारे पास ऑलरेडी भरी हुई है इसके ऊपर हम चलते हैं। जैसा कि अब आपके पास 192297 आपका रोल नंबर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 यानी कि 1 कौन सा आ गया, अब यहाँ पर ये डिजिट आपको दिखाई देगी जैसे 01234, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस 1 को आपको बिल्कुल है जो ब्लैंक करना होगा। अब ये भी आपको बताऊंगा भी इस गलती से कैसे बचना होगा, ये तो आप फिलअप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 9, तो 9 के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल लास्ट के अंदर 9 है और 9 को आप है जो बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक कर दोगे इसे गेरे को। और उसके बाद में इस तरीके से 2 को, फिर 2 को, फिर 9 को और फिर 7 को। तो ये तो था हमारा रोल नंबर, और इसके बाद में जो आपका परीक्षा के अंदर कोड है 3409, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 3405 का, ठीक है। अब इसको आपको किस तरीके से इसके अंदर फिलअप करना होगा, 30 इसको फिर आप इसी तरीके से सेम 3 4 फिर 0 और फिर 9 का, तो आप अपने एरिया वाइज आप देख सकते हो कोड आपका कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा। उसके बाद बात आएगी बुकलेट प्रश्न पूर्ति का कि जो सीरीज है आपके पास, अब वो सीरीज आपको कहाँ से पता चलेगी, भी जो आपके पास ये बुकलेट मिलेगी इसके ऊपर यहाँ लिखा होगा प्रश्न पुस्तिका सीरीजन की क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज, ये आपके पास बी है, तो ये आपको ए बी सी और डी ये चार सीरीज के अंदर आपको मिलती है। अब आपके पास ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास सीरीज होगी उस सीरीज को आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा बी, और बी होगा तो आपके इसके सामने जो बी है उसको भी आपको ब्लैंक करना होगा। और उसके बाद के अंदर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अब ये क्वेश्चन बुकलेट का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन का बुकलेट जो आपके पास क्वेश्चन की बुकलेट है ये क्वेश्चन का बुकलेट नंबर होता है 457090, तो ये बुकलेट नंबर आपको यहाँ लिखना है 457090 का। तो अब 457090 को भी सेम इसी तरीके से हमें ये जो डॉट्स है इसको हमें काले मतलब ब्लू पेन से आपके पास जो होगा उसको आपको यहाँ से गेरे को बिल्कुल काला करना होगा। तो अब आपको डिटेल आएगी भी आपको मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक रिकॉर्ड बनाया जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं भी। जब भी आप किसी भी मतलब ऑप्शन को अगर आप चूज करते हो तो उसके अंदर आपको एक तो ये आधा बिल्कुल भी नहीं करना है, और दूसरा अब मान लीजिए कोई आपसे कोई गलती होगी, मान लीजिए जैसे कि आपने बी भरना था लेकिन सी भर दिया, फिर पता चला भी सी नहीं था डी सही था, तो आपने सी और डी भर दिए, तो ये भी आपका बिल्कुल है जो गलत माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा
आपको इसकी तरीके ब्लैंक करने न कि आपको टिक लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप की गलती कर देते हैं, वो टिक निशान लगा देते हैं, तो आपको टिक का निशान नहीं लगाना। और दूसरा, आपको इस तरीके से ऐसा नहीं है भी आधा अंदर हो और आधा बाहर हो, ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और पेन को सबसे ज्यादा ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसी के ऊपर आपको ये जो गहरा काला करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा दबाव दोगे तो हो सकता है वो पेन है जो आर पार हो जाए पेज के, तो इस गलती से भी आपको बचना होगा। तो ये आपको इस तरीके से, यानी कि आधा अधूरा नहीं भरना, एक ऑप्शन के अंदर आपको केवल एक ही भरना है, दो नहीं भर सकते, तीन नहीं भर सकते, चारों इकट्ठे नहीं कर सकते, तो वो गलत माना जाएगा। टिक का निशान नहीं लगाना और इस तरीके से आधा अंदर और आधा बाहर भी नहीं रखना। तो ये तो थी आपकी जिन गलतियों से बचना होगा। उसके बाद में जो आपके पास इस क्वेश्चन बुकलेट को अगर आप ओपन करोगे तो आप इसके अंदर आपको ये 35 क्वेश्चन मिलेंगे। एक साइड के अंदर रहेंगे हिंदी के अंदर और दूसरे साइड रहेंगे ट्रांसलेट इसकी इंग्लिश के अंदर। तो आप यहां पर अपनी जानकारी के लिए एक बार आप टिक लगा सकते हो। ऐसा नहीं है भी आप इस क्वेश्चन के अंदर टिक लगा के छोड़ दो और ओमआर सीट आप भरो ही नहीं। ओमआर सीट आपको भरनी है। अब उसके बाद में ओमआर सीट आपको किस तरीके से भरनी है, जैसा कि मान लीजिए दो नंबर क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओमआर। आपको लगता है भी इस दो नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तो आप क्या करोगे, ओमआर सीट को ओपन करोगे और उसके अंदर जैसा कि आप क्वेश्चन कौन सा था हमारा दो नंबर का, और दो नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके अनुसार राइट आंसर कौन सा था, ए का। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर क्वेश्चन, और दो नंबर क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस ए वाले ऑप्शन को हम करेंगे बिल्कुल इसका गहरा जो हम डायरेक्ट करेंगे इसको। अब ऐसा नहीं है भी आपको पहले पता चला ए था, बाद में पता चला बी है और आपने ए और बी दोनों कर दिए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इन चार ऑप्शन में से एक ही भरना है आपको, अगर आपने दो भर दिए तो वो आपका रिजेक्ट माना जाएगा, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो गलतियां ना, इन गलतियों से आपको बचना होगा, क्योंकि नहीं कर से तो आप गूगल शीट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा समय भी बचा हुआ है, तो इसकी तैयारी आपको जरूर करनी है, क्योंकि ये गलतियां आपको फेल होने से बचाएगी। आंसर आपने कितने सही करें कितने गलत करें वो बाद की बात है, लेकिन आपने से जो गलतियां मिस्टेक से बचना है ना, वो इसी इन्हीं मिस्टेक से आपको बचना होगा। और उसके बाद के अंदर ये जो डिटेल आएगी नीचे स्टूडेंट्स की, अब इसके अंदर आपको ये जो आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर भर देना होगा। उसके बाद में जो आपका लर्नर कोड, जो अभी आपको मैंने बताया था ये वाला लर्नर कोड, ये लर्नर कोड भी आपको इस ओमआर सीट के ऊपर लिखना होगा। और उसके बाद के अंदर आपका नाम, जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है जो नाम, वो वाला। और उसके बाद आप अपना या फिर मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हो, पिताजी का नाम आप सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करोगे, और आप आपका जो एड्रेस है वो सेलेक्ट करोगे। अब एड्रेस आप जो आपके आधार कार्ड के अंदर है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में डेट ऑफ एग्जाम, तो यहाँ पर आपके जिस डेट को एग्जाम हो रहा है, जैसा कि आपका एग्जाम अभी 16 अक्टूबर 2022 को है, तो 16/10/2022 आप लिखोगे। और उसके बाद के अंदर यहाँ पर आपकी सिग्नेचर होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना, सिग्नेचर आपको करने होंगे। और उसके बाद में जो प्रवेक्ष के हस्ताक्षर हैं वो भी यहाँ पर होने चाहिए, तो अगर आपने साइन नहीं किए तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि ये थी वो छोटी छोटी गलतियाँ जिससे आपको बचना होगा, और वो आपने राइट तरीका मैंने आपको सही तरीके से इसके अंदर बता दिया। अभी आपको डॉट्स है जो बिल्कुल अंदर अंदर की साइड में ही रखने, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और आपको बिल्कुल छोटा सा भी नहीं करना है, भी आपने बिल्कुल छोटा सा कर दियो वो भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि स्कैनर इसको प्रॉपर सही तरीके से स्कैन नहीं करेगा। स्कैन उसी को करेगा जो प्रॉपर सही तरीके से और उसी के अंदर 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 कोई गहरा आपने ब्लैक यानी कि डॉट है जो किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को आप फेल होने से बचा सको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।